सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओ चेन ने प्रोटेक्शन इन मर्सी के थ्रोन को एक्टिवेट किया था, जो अलायंस लीडर यांग के थ्रोन का प्रोजेक्शन था, जिससे डीमन हंटिंग पास के सभी सैनिकों के पास गोल्डन प्रोटेक्शन आ गया था और वो आसानी से डीमंस को मार रहे थे। गाओ की मौत हो चुकी थी, जिससे आओ चेन काफी दुखी हुआ और वो सिरे को मारने लगा। सिरे वहाँ से भागने लगी थी, पर जियांग उस पर हमला करने लग गया था। सब्सक्राइब करना बनता है। फिर अब हम देखते हैं कि सिरे के पास ली शिन और लिन भी आ जाते हैं। सिरे लिन को जोरदार मुक्का मारती है, पर वो सभी थोन के प्रोटेक्शन में थे, इसीलिए उसे कुछ नहीं होता। लिन उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि डीमन गॉड इतने कमजोर होते होंगे। तभी ली शिन अपनी हेवनली बैटल एरे टेक्निक से उस पर हमला करती है। वांग भी वहाँ आ जाती है, जो रिफ्ट ब्रेकर कैनन ट्रिक से उस पर जोरदार हमला करती है, जिससे सिरे बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। सिरे कहती है कि तुम सिर्फ मामूली चीटियां हो। हाओ चेन और शेनिन भी वहां गए थे। वो दोनों कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा बोलती है, अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है, और वो दोनों साथ मिलकर उस पर कई सारे हमला करते हैं, जिससे वो खत्म हो जाती है और पिलर 68 का क्राउन बाहर आ जाता है, जो आज से भागकर चला जाता है। वही हम बुल डीमन गॉड को देखते हैं, जिसे यान्यू अपने कुछ साथियों के साथ मारने की कोशिश कर रही थी, पर वो काफी पावरफुल था। हान्यू जांग की मौत से काफी ज्यादा दुखी था। तभी हाओ चेन उसके पास आता है और उसे संभालता हुआ कहता है कि इसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, इनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। हान्यू उसकी बात समझ जाता है और अब वो सभी बुल डीमन गॉड को मारने आ जाते हैं और वो साथ में अपनी पावरफुल स्किल से उस पर अटैक करने लगते हैं। यान्यू अब सभी लोगों की एनर्जी से सॉर्ड ऑफ जजमेंट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे वो बुल डीमन गॉड खत्म हो जाता है और उसका क्राउन भी वहाँ से भागकर चला जाता है। हान्यू इससे खुश होता है कि उसने जान का बदला ले लिया। तभी देखता है कि एलोसर अभी भी जिंदा है, जिसे जियाजे फाइट कर रहे थे। एलोसर उन्हें कहता है कि तुम ये मत सोचो कि मेरे दोनों साथी मारे गए, इसीलिए तुम मुझे खत्म कर सकते हो। मैं लोयन किंग हूँ, तुम्हें मारकर मैं अपने साथियों की मौत का बदला लूंगा। और वो उनके हाथों को दूर फेंक देता है और हंसते हुए कहता है कि अब तुम्हारे पास मुझसे लड़ने के लिए कुछ नहीं बचा, और उन पर अपनी शॉट से अटैक करने लगता है। यह देखकर सभी डर जाते हैं। जियाजे अपने हाथों से उसके हमले को रोक लेते हैं। वो चालाकी से उसके शॉट को छीन कर उसके टुकड़े कर देते हैं और कहते हैं कि कुत्ते तुम कब से बकवास कर रहे थे। एलोसर कहता है कि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम इस राजा को हरा दोगे। और अब वो खत्म हो जाता है और उसका क्राउन भी वहाँ से चला जाता है। जियाजे अपने मनी मन में कहते हैं कि बेटे मैंने तुम्हारी मौत का बदला ले लिया। सभी सैनिक खुश होते हैं कि वो जीत गए और उन्होंने सभी डीमन को हरा दिया। हाओ चेन और उसके दोस्त भी काफी खुश थे। सभी सैनिक डीमन हंटिंग पास के नारे लगाने लगते हैं कि हंटिंग पास बहुत ही महान है। वो तीनों डीमन गॉड क्राउन डीमन एम्परर फेंग जियो के पास चले जाते हैं। वो उन्हें खत्म करके वापस डीमन पिलर पर भेज देता है, क्योंकि ये डीमन गॉड क्राउन हर एक डीमन गॉड की पावर का सोर्स होते हैं, और जब कोई डीमन गॉड मर जाता है तब डीमन गॉड क्राउन वापस से डीमन गॉड पिलर पर चला जाता है, और वो अपने एक नए उत्तराधिकारी का चयन करता है। और जिस भी डीमन को ये क्राउन चुनता है, उसके पास पिछले डीमन गॉड की शक्ति आ जाती है और वो नया डीमन गॉड बन जाता है। हालांकि यदि कोई नाइट डीमन गॉड क्राउन को नष्ट कर देता है, तो डीमन गॉड पिलर को 10 साल का वक्त लगता है एक नए डीमन गॉड क्राउन को जन्म देने के लिए। इसीलिए जब तक इस दुनिया में डीमन गॉड पिलर मौजूद है, डीमन गॉड को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। इन 72 डीमन गॉड पिलर को खत्म करने के लिए कई डीमन हंटिंग टीम ने कोशिश की, पर वो सभी नाकामयाब रहे, और एक भी डीमन पिलर को आज तक खत्म नहीं किया जा सका, जिसे डीमन गॉड इतने ज्यादा पावरफुल है। फेंग जियो डीमन हंटिंग पास के सभी लोगों को देखने लगता है कि वो सभी अपनी जीत से बहुत खुश हैं, इसलिए वो वहाँ एक तेज ब्लास्ट करता है, जिससे वो यांग के थोन के प्रोजेक्शन को बर्बाद कर देता है। इससे ओली सिटी में बैठे हुए यांग को भी काफी दर्द होता है, और वो समझ जाते हैं कि ये हमला डीमन गॉड एम्परर ने किया होगा, पर वो डीमन हंटिंग पास पर क्यों आया होगा। डीमन हंटिंग पास पर प्रोजेक्शन के खत्म होने से सभी सैनिक हैरान होते हैं। हमें बताया जाता है कि डीमन को धरती पर आए हुए 6191 साल गुजर चुके हैं, पर अभी भी डीमन लगातार पावरफुल होते जा रहे हैं। अब डीमन हंटिंग पास पर डीमन गॉड एम्परर फेंग जियो खुद ही वहाँ प्रकट होता है, जिससे सभी डर जाते हैं। जो अपने डेमोनिक बीस्ट के साथ वहाँ आया था, उसे देखकर जियाजे भी डर जाते हैं। उसका ऑरा काफी खतरनाक था, जिससे डीमन हंटिंग पास बर्बाद होने लगता है और सभी लोग अपने घुटने टेक लेते हैं। जियांग काफी कमजोर हो गया था, इसीलिए लिन उनके ऊपर एक फायर शील्ड बनाने की कोशिश करता है, पर वो अपनी पावर को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था। हाओ चेन
अपनी शॉर्ट से खुद को घुटने टेकने से रोकने लगता है। जियाज ये सब देखकर अपनी पावर से फेंग जू के ओरा को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो उनकी शील्ड को तोड़ देता है। जियाज कहते हैं कि इस डिमन एम्परर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, अगर ऐसे ही सभी सैनिकों पर दबाव पड़ता रहा तो ये जिंदा नहीं बचेंगे, और वो अपनी पूरी पावर से उसके दबाव को रोकने लगते हैं। डिमन गॉड एम्परर की वजह से शेनिन की रिकार्नेशन फर्नेस के साथ समसारा सॉर्ड भी एक्टिवेट होने लगती है, क्योंकि उसका उद्देश्य डिमन एम्परर को मारना था। शेनिन अपनी फर्नेस पर काबू नहीं कर पाती और उसकी रिकार्नेशन पावर एक्टिवेट होने लगती है। जियाजे कहते हैं कि शेनिन के अंदर रिकार्नेशन फर्नेस के साथ सॉर्ड ऑफ समसारा भी मौजूद है, जो डिमन गॉड एम्परर की कट्टर दुश्मन है, इसलिए शेनिन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। तुम्हें जल्दी इसे रोकना होगा। आओचेन पूरी हिम्मत से शेनिन के पास जाकर उसे पकड़ लेता है और उसे गले लगाता है, जिससे वो समसारा सॉर्ड को एक्टिवेट होने से रोकने लगता है। वो उसे कहता है कि मैं यही तुम्हारे साथ हूँ, तुम इस समसारा सॉर्ड की पावर को दबाने की कोशिश करो। आओचेन की वजह से शेनिन खुद पर काबू पा लेती है। फेंग जू अब डिमन हंटिंग पास के लोगों पर और ज्यादा दबाव डालने लगता है, जिससे दीवारें भी क्रेक होने लगती है। एक सैनिक पत्थर के नीचे आने वाला था, पर जियांग उसे बचा लेता है। लॉर्ड जियाजे भी अब उस प्रेशर का सामना नहीं कर पाते और वो भी नीचे गिर जाते हैं। सैनिक उस दबाव की वजह से जलकर खत्म होने लगते हैं और पूरा डिमन हंटिंग पास बर्बाद हो रहा था। हजारों सालों से इंसानों ने राक्षसों के खिलाफ लड़ाई की है, पर यह युद्ध कभी खत्म नहीं होता। हाओचेन और उसके साथी बहुत दुखी होते हैं कि उनके सैनिक लगातार खत्म होते जा रहे हैं। इंसान चाहे कितने भी बार हार जाए, पर वो कभी हार नहीं मानते, और उन सभी को बचाने के लिए वहाँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिमन हंट स्क्वाड आ जाता है, जिनके ग्रुप का नाम डिमन गोट स्लेयर था, यानी डिमन को मारने वाले हत्यारे। उन्होंने अभी तक सैकड़ों डिमन गोट को मारा था, पर डिमन पिलर की वजह से वो फिर से जिंदा हो जाते थे। आज वो डिमन हंटिंग पास को बचाने के लिए वहाँ आए थे, और वो डिमन हंटिंग पास पर एक सेफ्टी शील्ड बना देते हैं, जिससे सभी फेंग जू के ओरा से बच जाते हैं। सभी उन्हें देखकर खुश होते हैं। फेंग जू ने कहता है कि तुम मूर्ख लोग फिर से यहाँ आ गए। डिमन गॉड स्लेयर का लीडर चेन जीडियन कहता है कि मैजेस्टी, क्या आप हमारे खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहे हो, जो आपने यहाँ पर हमला कर दिया। फेंग जू को ऑस्टिन ग्रिफिन यानी हाउयू की तलाश थी। वो उन्हें कहता है कि मैं एक तीन सर वाले बिस्ट को ढूंढ रहा हूँ, इसीलिए अपने शहर के सारे तीन सर वाले बिस्ट को मुझे सौंप दो, वरना मैं आज तुम पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा। और वो अपने ओरा को वापस से फैलाता है, जिससे सभी हिल जाते हैं। ये देखकर चेंज इडियन परेशान होता है और अपने सभी टीम मेंबर से बात करता है। वो सभी काफी हैरान थे कि ऐसा कौन सा बिस्ट है जिसे लेकर डिमन एम्परर परेशान है और उसे खुद यहाँ आना पड़ा। चेंज इडियन सभी से कहता है कि अगर हम इससे फाइट करने की कोशिश करें तो हम इसे हरा नहीं पाएंगे, इसीलिए हम उतावलेपन से काम नहीं ले सकते, क्योंकि इससे डिमन हंटिंग पास के लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी, और अगर डिमन हंटिंग पास खत्म हो गया तो डिमन सीधे सिटी में घुस जाएंगे और लाखों लोगों की जाने चली जाएगी, और फेंग जियो के लिए वो बिस्ट डिमन हंटिंग पास से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर एक बार डिमन गॉड एम्परर यहाँ से चला गया तो हम सभी उस मैजिकल बिस्ट को बचाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल देंगे। और अब वो फेंग जियो से कहता है कि मैजेस्टी, क्या मैजिकल बिस्ट की तलाश करते हुए ज्यादा दूर नहीं आ गए? अगर आप हमारे डिमन हंटिंग पास के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो हम तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेंगे और तुम उस मैजिकल बिस्ट को लेकर जा सकते हो। फेंग जू अपनी पावर को पूरे डिमन हंटिंग पास पर फैलाता है, जिसे सभी अपने घुटने टेक लेते हैं और सभी लोगों के मैजिकल बिस्ट बाहर निकल कर आने लगते हैं। हाओचेन समझ जाता है कि ये जरूर हाओयू को ढूंढ रहा है, पर तीन सर वाले बिस्ट बहुत ही कॉमन होते हैं। तभी उसका बिस्ट हाओयू भी बाहर निकल आया था, पर वो एवोल होने की वजह से अपना रूप बदल सकता था और वो अभी छोटे से रूप में था, और फेंग जू ये नहीं जानता था कि वो एवोल हो चुका है और अपना रूप बदल कर वो खुद को छिपा सकता है। इसीलिए उसे लगता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन नहीं है, और वो सोचता है कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो गलत थी, इसीलिए अब मेरे यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं है। तभी उसकी नजर हाओचेन पर जाती है, जिसे वो अपनी पावर से अपने कॉन्शसनेस स्पेस में ले आता है। हाओचेन को कुछ समझ नहीं आता, वो डिमन गॉड एम्परर को देखकर थोड़ा डर जाता है। फेंग जियो का डेमोनिक बीस्ट उसके चारों ओर घूमने लगता है, जिससे हाओचेन और ज्यादा डर को महसूस करता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।